इसी वीडियो में आप लोग को ऑर्गन ट्रिप्लर मशीन कैसे चलाया जाता है उसी का जानकारी दूंगा। पूरा इसमें लाइव चला के दिखा के आप लोग को समझाऊंगा। आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, कंटिन्यू देखते रहिए। मशीन आपको टोटली इजी लगेगा, चलाने में भी बहुत इजी लगेगा। ये आपका ऑर्गन ट्रिप्लर ऑपरेशन केबिन है, यहीं से आपका पूरा इक्विपमेंट को कंट्रोल किया जाता है। देख लीजिए, ये आपका एनालॉग पुश बटन है और ये जो कंप्यूटर दिखाई दे रहा है आपको, ये डिजिटल है। मतलब यहाँ से नीचे जितना फील्ड है, फील्ड में जितना इक्विपमेंट है, सबका इंडिकेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। और ये जो है नीचे जितना भी पुश बटन दिखा रहा है, टोटल पुश बटन जो है आपका, ये एनालॉग है। यहीं से कमेंट देके आप फील्ड का इक्विपमेंट चला सकते हैं। अभी देख लीजिए, ये जो एनालॉग पुश बटन जो स्विच दिया गया है, कि घबराने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ बहुत सारा स्विच दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ घबराने का जरूरत नहीं है। हम मेरे को सिस्टम चलाने के लिए, पावर पैक चलाने के लिए ओनली फॉर 3 स्विच का काम है और मशीन को चलाने के लिए 6 स्विच का काम है। तो देख लीजिए, ये वाला जो पार्ट है ये इंडिकेशन फीडबैक है। मतलब कौन सा इक्विपमेंट फील्ड में चल रहा है कि नहीं चल रहा है उसका इंडिकेशन देगा। ये इंडिकेशन के लिए स्विच दिया गया है, मतलब इंडिकेशन स्विच दिया गया है। इसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए। अब इसको समझ आइए, ये स्विच है, ये पुश बटन स्विच है। इसको देख लीजिए, इसमें भी बहुत सारा स्विच है, लेकिन उसको घबराने का कोई जरूरत नहीं है। आपको चाहिए जस्ट 6 स्विच। ऑर्गन ट्रिप्लर पावर पैक को चलाने के लिए स्टॉप, स्टार्ट स्टॉप, इसको पुश करेंगे तो हाइड्रोलिक पावर पैक स्टार्ट हो जाएगा और इसको पुश करेंगे तो हाइड्रोलिक पावर पैक स्टॉप हो जाएगा। ये देख लीजिए, ये साइड एम चार्जर जो मशीन चल रहा है फील्ड में, उसको चलाने के लिए आपको स्टार्ट प्रेस करना पड़ेगा तो वो पावर पैक, मतलब ड्राइव सिस्टम जो हाइड्रोलिक पावर पैक जो है वो चल जाएगा। इसको रेड वाला दबाएंगे तो बंद हो जाएगा। तो यही है, यहाँ देख लीजिए, ये टॉप क्लैंप है। टॉप क्लैंप के लिए जो हाइड्रोलिक पावर पैक लगा हुआ है, तो वो टॉप क्लैंप पावर पैक ड्राइव सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए इसको प्रेस करना पड़ेगा। और अगर स्टॉप करेंगे आप, गाड़ी खत्म हो गया, कोयला अनलोडिंग कंप्लीट हो गया, तो आप स्टॉप पुश बटन प्रेस करेंगे। तो आपको काम करने के पड़ रहा है, टिप्लर के लिए 2 स्विच स्टार्ट स्टॉप, साइड एम चार्जर के लिए 2 स्विच स्टार्ट स्टॉप, टॉप क्लैंप के लिए 2 स्विच स्टार्ट स्टॉप। तो आप स्टार्टिंग पहले आप डेस्क में आएंगे, तो डेस्क में आके क्या करेंगे, फास्ट आपको सिलेक्टर स्विच को लोकेशन सेट करना पड़ेगा। अब इसको देख लीजिए, ये सिलेक्टर स्विच है। सिलेक्टर स्विच को फास्ट आपको डेस्क में सिस्टम चलाएंगे तो कोई भी इक्विपमेंट चलाने के पहले आपको सिलेक्टर स्विच का सिलेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ 4 सिलेक्टर स्विच है, आप 3 को भूल जाइए, 3 छोड़ दीजिए, आपको एक स्विच का ही काम है। एक स्विच क्या है, देखिए, ये ऑटो में है, 2 नंबर में दे दिए तो मैनुअल है, 3 नंबर में दे दिया तो लोकल है। लोकल मतलब क्या है, फील्ड में हर एक इक्विपमेंट का फील्ड में लोकल पैनल दिया गया है, वहीं से आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हम लोग का मैनुअल मोड में, मतलब हम इसी डेस्क से कंट्रोल करूंगा पूरा सिस्टम को, इसीलिए हम लोग 2 नंबर में रखते हैं, मतलब मैनुअल मोड में रखते हैं। अगर एक में रखेंगे तो क्या होगा, पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक ही चलेगा। मतलब एक बार आप स्टार्ट कर दिया ऑटो मोड में देके, तो पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक ही चलेगा। लेकिन हम लोग का नॉर्मली 2 नंबर मतलब मैनुअल मोड में सिस्टम को चलाना है। तो चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फास्ट आपको 2 नंबर सिलेक्शन करना पड़ेगा, मतलब मैनुअल मोड सिलेक्शन करना पड़ेगा। इसके बाद आपको हाइड्रोलिक पावर पैक, टिप्लर का हाइड्रोलिक पावर पैक स्टार्ट करना पड़ेगा, साइड आर्म चार्जर का हाइड्रोलिक पावर पैक स्टार्ट करना पड़ेगा, टॉप क्लैंप का हाइड्रोलिक पावर पैक स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे पावर पैक पूरा स्टार्ट हो गया तो आपको साइड आर्म चार्जर मशीन को चलाना है, टिप्लर को कमेंट देना है। तो कमेंट देने के लिए स्विच देख लीजिए, टिप्लर टिप रिटर्न करने के लिए 2 स्विच को यूज किया गया है। मतलब इसको प्रेस करेंगे टिप, तो टिप्लर मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, मतलब टिप होना शुरू करेगा, 150 डिग्री तक टिप्लर चला जाएगा, अनलोड हो जाएगा। फिर रिटर्न करना है उसको, तो रिटर्न वाला पुश बटन प्रेस करेंगे, एक बार पुश करके छोड़ दिए तो ऑटोमेटिक वो धीरे धीरे 0 डिग्री पे आ जाएगा। ये टिप रिटर्न के लिए है। नेक्स्ट देख लीजिए, साइड आर्म चार्जर के लिए ये स्विच दिया गया है। ये क्या है, साइड आर्म चार्जर फॉरवर्ड, इसको एक बार पुश करेंगे, देख लीजिए ऐसे पुश कर दिया, तो पुश कर दिया क्या होगा, तो साइड आर्म चार्जर देखिए धीरे धीरे फॉरवर्ड हो रहा है, फिर देखिए साइड आर्म चार्जर को रिवर्स करना है, तो इसको पुश करेंगे तो साइड आर्म चार्जर धीरे धीरे रिवर्स हो रहा है, देखिए। फिर आर्म रेज, इस वाला पुश बटन को प्रेस करेंगे तो आर्म रेज होगा, और साइड आर्म चार्जर आर्म लोअर वाला जो पुश बटन है इसको पुश करेंगे तो आर्म लोअर होगा। तो ये चारों स्विच का आपका काम है, ये 2 साइड आर्म चार्जर फॉरवर्ड रिवर्स और 2 है साइड आर्म चार्जर अप डाउन।
अभी आप लोग ये डिस्क को तब समझ गए हैं। अभी साइडम चार्जर और टिपर का ऑपरेशन देख लीजिए कैसे चल रहा है वो देख लीजिए। फर्स्ट क्या होगा, साइडम चार्जर आम को हम डाउन कर रहा हूँ देख लीजिए, डाउन प्रेस किए फील्ड में देखिए धीरे 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 साइडम चार्जर आम डाउन हो रहा है। एक बार डाउन मतलब कमेंट देके अब छोड़ दिए, धीरे धीरे डाउन हो गया, बस डाउन हो गया। अभी क्या करना पड़ेगा, रिवर्स लेना पड़ेगा, मतलब ऑर्गन को कपलिंग करने के लिए रिवर्स लेना पड़ेगा। तो आप साइड आर्म चार्जर रिवर्स वाला पुश बटन को प्रेस कर दिए, देखिए प्रेस कर दिए, धीरे धीरे साइड आर्म चार्जर रिवर्स हो रहा है, स्लो रिवर्स हो रहा है अप टू लोडेड ऑर्गन कपलिंग। देखिए लोडेड ऑर्गन कपलिंग कपलिंग हो गया, जैसे कपलिंग हो गया अब क्या करेंगे, साइड आर्म चार्जर फॉरवर्ड करेंगे। तो फॉरवर्ड कीजिए, फॉरवर्ड बटन पुश करेंगे तो अब रुक जाइए, फॉरवर्ड बटन पुश करके अब रुक गए। अभी धीरे धीरे साइड आर्म चार्जर फॉरवर्ड हो रहा है, कहाँ तक फॉरवर्ड होगा वो, अप टू चेंज ऑर्गन पोजिशन तक, मतलब जहाँ मतलब पूरा साइड आर्म चार्जर पूरा 59 ऑर्गन को अरेस्ट करके रखा है, लेकिन हमको चाहिए एक ही ऑर्गन, तो चेंज ऑर्गन पोजीशन तक साइड आर्म चार्जर जाके रुक जाएगा ऑटोमेटिक। रुकने के बाद फील्ड में जो ऑर्गन लोग है वो लोग क्या करेगा, डिकेबल करेगा। डिकेबल करने के बाद फील्ड में ही साइड आर्म चार्जर को फॉरवर्ड देगा, हमको और फॉरवर्ड देने का कोई जरूरत नहीं है, फील्ड में ही कॉमेंट देगा। फील्ड में जैसे कॉमेंट दे दिए, साइड आर्म चार्जर कहाँ चला गया, टिपलर सेंटर पोजिशन तक जा रहा है, देखिए धीरे धीरे सेंटर पोजीशन तक जा रहा है। सेंटर पोजीशन तक जैसे चला गया साइड आर्म चार्जर रुक गया, मतलब ऑर्गन को लेके सेंटर पोजीशन में रुक। देखिए साइड आर्म चार्जर को अभी डिकेबल करना पड़ेगा, पोजीशन हो चुका है, तो साइड आर्म चार्जर डिकेबल वाला पुश बटन को आपको प्रेस करना है, जैसे प्रेस करके छोड़ दिए तो साइड आर्म चार्जर देखिए डिकेबल हो गया, मतलब हो रहा है धीरे धीरे हो रहा है, हो गया है। अभी साइड आर्म चार्जर को फॉरवर्ड करना है तो क्या करना पड़ेगा, साइड आर्म चार्जर फॉरवर्ड वाला जो पुश बटन है उसको प्रेस कर दिए, देखिए धीरे धीरे साइड आर्म चार्जर फॉरवर्ड हो रहा है। फॉरवर्ड होकर कहाँ जाएगा, जहाँ पे साइड आर्म चार्जर आर्म रेस पोजीशन होता है, मतलब जहाँ पे उसका आर्म को रेस करूंगा हम लोग, उस जगह पे एमटी ऑर्गन को धक्का मारते मारते चला जा रहा है, जाते वहीं पे रुक गए। रुकने के बाद क्या करना पड़ेगा, मेरे को अभी क्या करना पड़ेगा, आपको रेस करना पड़ेगा, देखिए वो पोजीशन तक चला गया तो आपको रेस करना पड़ेगा। आप रेस वाला पुश बटन को प्रेस कर दिए तो धीरे धीरे देखिए साइड आर्म चार्जर आर्म रेस हो रहा है, 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 मैक्सिमम रेस हो गया। अभी क्या करना पड़ेगा, अनलोडिंग करना पड़ेगा, फिर से क्लियरेंस ले लिए, जब गाड़ी खाली करना है तो क्या करना पड़ेगा, साइड वॉल जो है मतलब सेफ्टी इक्विपमेंट साइड वॉल और व्हील ग्रिपर जो है उसको प्रेस करना पड़ेगा, वो एक ही स्विच में दो कमांड एक साथ चला जाएगा, इसलिए व्हील ग्रिपर का क्रॉस प्रेस कर दिए। तो देखिए फील्ड में धीरे धीरे व्हील ग्रिपर और साइड वॉल एक साथ एंगेज हो रहा है, एंगेज हो रहा है, धीरे धीरे एंगेज हो रहा है, बस पूरा कंप्लीट एंगेज हो गया। तो अभी क्या करना पड़ेगा, टिप करना पड़ेगा। तो आइए देख लिए, क्लियरेंस ले लिए फील्ड से, तो आपको टिप कमांड देना पड़ेगा। जैसे ही टिप दे दिए देखिए धीरे धीरे टिप होना शुरू हो गया, टिपलर देखिए टिप हो रहा है, टिप हो रहा है, टिप हो रहा है, वो 6 डिग्री गया, 6 से 45 डिग्री गया, टिपलर टॉप क्लैम एंगेज होना शुरू कर दिया। फिर हमको एक ही साथ साइड आर्म चार्जर को रिवर्स कमांड लेना पड़ेगा, तो रिवर्स कमांड को भी हम दबा दिए, साइड आर्म चार्जर धीरे धीरे रिवर्स भी लेना शुरू हो गया देख लीजिए। और चार्जर टिपलर क्या हो गया, आपका 150 डिग्री तक वो चला गया, पूरा जाके वहीं पर रुक गया, वो रुक गया, इधर से साइड आर्म चार्जर भी धीरे धीरे आ रहा है, तो टिपलर के रिटर्न करना पड़ेगा। तो रिटर्न वाला जो पुश बटन है अभी उसको एक बार दबा दीजिए, आप दबा दिए देखिए टिपलर धीरे धीरे रिटर्न हो रहा है, रिटर्न हो रहा है, धीरे धीरे रिटर्न हो रहा है। और साइड आर्म चार्जर भी आर्म डाउन वाला जो प्रॉक्सिमिटी स्विच है वहीं पे साइड आर्म चार्जर रुक गया है, कि नेक्स्ट ऑर्गन को वो लेके जाने के लिए फिर आ गया है, तो साइड आर्म चार्जर आर्म फिर डाउन करना पड़ेगा, फिर डाउन कीजिए, फिर उसको रिवर्स लेना पड़ेगा, तो फिर रिवर्स लीजिए, कपलिंग हो गया तो फिर फॉरवर्ड कीजिए, ऐसे करते 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 पूरा साइकिल कंटिन्यू आपको चलेगा। नेक्स्ट वीडियो इसी चैनल पे आएगा, टिपलर साइड आर्म चार्जर मशीन का जो इंटरलॉकिंग है, जितना भी सेफ्टी इक्विपमेंट लगा हुआ है उसी का ऊपर डिस्कशन होगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।